गणतंत्र दिवस 2024 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और 2024 में क्या कुछ नया और खास है। इस साल गणतंत्र दिवस परेड की थीम भारत लोकतंत्र के जननी और विकसित भारत है। भारत 26 जनवरी 2024 को अपना महत्वपूर्ण 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। प्रतिष्ठित गणतंत्र दिवस परेड सुबह करीब 9:30 बजे विजय चौक से शुरू होकर नेशनल स्टेडियम तक 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 1950 में भारतीय संविधान को अपनाने की याद में मनाए जाने वाले इस भव्य उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, भारतीय वायुसेना द्वारा हवाई प्रदर्शन, झंडा फहराना शामिल है। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का सम्मान करने और स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को श्रद्धांजलि देने का है। गणतंत्र दिवस समारोह उत्सव का केंद्र बिंदु दिल्ली का कर्तव्य पद है, जहां भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस और अर्धसैनिक समूह द्वारा प्रभावशाली परेड निकाली जाती है। इस गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि हैं। साथ ही आपको बता दें कि फ्रांस के 95 सदस्य मार्चिंग दल, 33 सदस्य बैंड दल, 2 राफेल लड़ाकू विमान और फ्रांस के 1 एयरबस A330 मल्टी रोल टैंक परिवहन विमान भी समारोह में हिस्सा लेंगे। परेड विजय चौक से कर्तव्य पद तक होगी। परेड स्थल में लगभग 77,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी, जिसमें 42,000 आम जनता के लिए आरक्षित है। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए कर्तव्य पद का चयन ऐतिहासिक महत्व रखता है। मूल रूप से किंग्सवे नाम से इस खंड ने स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नई दिल्ली में एक केंद्रीय धुरी के रूप में कार्य किया, जिसकी स्थापना 1911 में ब्रिटिश राज के दौरान राजधानी कलकत्ता, जो इस वक्त कोलकाता है, इस शहर में स्थानांतरित करने के बाद हुई थी। स्वतंत्रता के बाद किंग्सवे का नाम बदलकर राजपथ कर दिया गया था और किंग्सवे इसे काटते हुए जनपद के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया। राजपथ, जिसे अब कर्तव्य पद के नाम से जाना जाता है, स्वतंत्रता की सुबह का मुंह गवा रहा है और 7 दशकों से अधिक समय से गणतंत्र दिवस समारोह की मेजबानी कर रहा है। ये औपनिवेशिक अधीनता से एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तक भारत की परिवर्तनकारी यात्रा तक का प्रतीक है। इस बार सभी महिलाओं वाला त्रिसेवा समूह पहली बार परेड में शामिल होगा। इस गणतंत्र दिवस परेड दल में सेना की सैन्य पुलिस भी महिला सैनिकों के साथ साथ अन्य 2 सेवाओं की भी महिलाएं शामिल होंगी। स्वेडन लीडर सुमिता यादव भी इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेंगी। उन्होंने पिछले साल जुलाई में पेरिस में हुई बेस्टिल डे परेड में मार्च किया था। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे। इसमें सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा विभिन्न भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की साड़ियों का प्रदर्शन होगा, जिन्हें अंततः सूत्र प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की झांकी भी मुख्य रूप से दिखाई देगी। 2 चंद्रयान-3 मिशन की उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय ध्वजारोहण के बाद देश को संबोधित करेंगी और इस तरह भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।